दुनिया की हर चीज में लय और सुर देखने को मिलती है। जब कभी हम हिली एरियाज में जाते हैं, झरनों से जब पानी गिरता है तो दिल करता है कि उस मधुर आवाज को हमेशा सुनते रहे, हमेशा के लिए वहीं बैठे रहे। कभी कभार नदी के पास बैठने का मौका मिले तो जो पानी की कलकल की आवाज होती है दिल को अंदर तक छू लेती है। आम जिंदगी में अगर देखें तो कभी थोड़ी सी तेज हवा चलती है तो पेड़ के पत्तों से क्या शानदार म्यूजिक सुनने को मिलता है। हर बार जब पत्ते आपस में टकराते हैं तो एक नई धुन, एक नया संगीत उभर के हमारे दिल सामने आता है। संगीत के बारे में अगर कहूं तो ये हर गम को, हर दर्द को, हर घाव को भर सकता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया संगीत की दीवानी है। असल में यही संगीत हमारी जिंदगानी है। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने शायराना और गीत संगीत की बातें क्यों कर रहा हूं। आज मेरे लिए बहुत एक खास दिन है। बड़े लंबे अरसे से एक तमन्ना थे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको मैं स्टेज पे कई बार सुना, वीडियो जिनकी मैं अक्सर सुनता रहता हूं, आज वो हमारे स्टूडियो में है। किसी इंट्रोडक्शन की उनको जरूरत नहीं है, बस मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि नाम ही काफी है। आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान, हम सभी के अजीज आशु पंजाबी जी। आशु पंजाबी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि मैं आपका फैन हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम आप बड़े भाइयों की तरह हैं और मैंने आपकी तब से जब पंजाब के श्री मजोली अंकल के नाम से आपके जोक्स आते थे जी तब से आपका फैन हूं। मुझे भी बहुत इंतजार था आज के इस दिन का, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत बार मैंने सुना है आपको स्टेज पे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था। और आज प्रभु ने बड़ी कृपा की, मैं शुक्रगुजार हूं उस प्रभु का कि आज हम इकट्ठे बैठ के ये शो कर रहे हैं जी। तो आगे बढ़ने से पहले, शो को शुरू करने से पहले, अब प्रभु ने अगर इतनी कृपा की है तो आपका एक भजन है बहुत ही फेमस, मेरे राम प्रभु राम जी, उसकी मैं दो लाइनें जरूर सुनना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शक भी प्रभु का नाम ले सके और प्रोग्राम की शुरुआत भी प्रभु के नाम से कर सके। जी जरूर, बिल्कुल। सब पब्लिक ने आप लोगों ने बहुत प्यार दिया श्री राम जी के उस भजन को, ये आप सबके लिए हाजिर। More राम बिना ना
नाना कोई तेरा, राम का मन में करो बसेरा, राम राम मेरे राम राम, प्रभु राम राम मेरे राम राम, राम राम मेरे राम राम, प्रभु राम राम मेरे राम राम, ये भजन सुन के तो मजा आ गया जी, दिल को बहुत ही सुकून मिला। और आज आपके साथ बैठ के जब ये सुना तो एक अलग ही आनंद आया जी, लाइफ में तो फिर थोड़ा अलग लगता। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आप की पर्सनैलिटी के बारे में, वैसे तो हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जरूर जानते होंगे, आप म्यूजिक गुरु भी हैं, कंपोजर भी हैं, बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, शायर है, आपने किताब भी एक लिखी है। जी जी, आपके शुक्रिया प्रभु के पास म्यूजिक डायरेक्टर भी है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि फिर तो नाम ही काफी है आशु पंजाबी जी का, बाजी नाम तो ऊपर वाले का तो करते। आप आज हमारे साथ हैं तो भी जैसे ये भजन सुना आपने, तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपसे बातें हम कम करें। अच्छा जी। और आपसे गीत संगीत ज्यादा सुने, आपके जो हिट गाने हैं आज वो सुनने का मौका है, वो जरूर सुनेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले ना मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप इतने सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने हिट गाने दे रहे हैं, ये जादू, ये कला, ये कहाँ से आपको मिली? तो पंजाबी में कहते हैं ना गुरती, ये गुरती आपको कहाँ से मिली गीत संगीत? ये तो जी लोग ही बताते हैं, हम जब अपने शोज करते हैं जी तो वहां से पता चलता है हमें कि हमें किस तरह का गाना देना चाहिए जी। क्योंकि मेरा नाम एज ए पंजाबी फोक सिंगर हुआ, तो मैं हालांकि बेसिकली गजल गायक हूँ, सूफी सिंगर, भजन सब गाता हूँ, लेकिन जो शुरुआती मेरे एल्बम आए वो सारे पंजाबी के थे। तो पंजाबी में हम शोज भी करते हैं, शोज करते थे और करते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता था कि लोग इस तरह का गाना लाइक करेंगे। तो जैसे मेरा गाना हिट हुआ आजकल दिया कुड़ियां फैशनदार, मेरी मतों बातों का, हाथ में मोबाइल थल्ले का, मेरी मतों बातों का, और पुत जिटा दे गली च फोन बोलियां, है जी कि दिए मजाल डकलू सीधा एक दे चला देंगे गोलियां। तो यानी कि ऐसा गाना जिसपे लोग खूब डांस कर सके, उंगला थे आशिक नचौने छड़ दे। तो मतलब कहने का ये होता है जी कि हम पब्लिक को देखते हैं और फिर बीट वो रखते हैं, बाकी ऊपर वाले की कृपा है, हम तो एक कोशिश करते हैं कि हमारी चीज बीट हो। आप इतने अलग अलग फील्ड में काम करते हैं जैसे अभी आपने खुद भी बताया, तो आप क्योंकि हर गीतकार संगीतकार की कोई ना कोई एक अपनी ऐसी चीज होती है जो दिल के करीब होती है जी, जी। आप कि संगीत में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है, जो आपके दिल के करीब है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा साहब आपने। एक्चुअली क्या है कि मेरी जो अपनी पसंदीदा विधा है संगीत की वो गजल जी। उसका कारण एक बहुत बड़ा कि जब मैं संगीत सीखा मेरे गुरु जी श्री निर्मल राय जी से, सुनंदा शर्मा जी से, तो उस वक्त मैं गजल के बहुत करीब था, मुझे गजल बहुत पसंद थी। मैं गुलाम अली साहब, नंदी हसन जी, जगजीत सिंह जी को सीखा था। तो गजल कुदरती ऐसा हुआ कि ऊपर वाले की कुछ कृपा हुई कि मैं लिखना भी शुरू कर दिया। तो वो जो लिखना और गाना गजल को, मेरी गजल पसंदीदा बन गई। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम गजल गाते हैं तो एक शेर के बाद या एक शेर की एक मिसरे के बाद दूसरा मिश्रा आने का भी पब्लिक इंतजार करती है, एक अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या आएगा आगे। और गजल की एक और खासियत बताऊंगा, उसका एक ही थीम नहीं होता। जैसे कैफ साहब ने लिखा कि जिनके शबनम से पांव जलते हैं वो कहां धूप में निकलते हैं, और नेक्स्ट शेर है उनका कि सबको जाना है एक मंजिल पे, लोग क्यों रास्ते बदलते हैं। तो दोनों शेर अलग अलग थीम हो गए।
जी तो गजल की कुछ खासियतें हैं जो मतलब वो और किसी गीत में नहीं है, चाहे वो गीत हो, सूफी गीत हो, भजन हो, या कोई समझ आ जाती है जब क्या होगा। गजल ही एक ऐसी चीज है जो उत्सुकता बनाए रखती है। आपने गजल की बात की, गजल की बारीकियां आप बता रहे हैं हमें। आज की युवा पीढ़ी जो है वो फास्ट म्यूजिक, ये जो डीजे पे गाने चलते हैं, कई बार तो ना तो वर्ड समझ आते हैं हमें, वो शोर ही शोर सुनाई देते हैं, उसी में ही दीवाने होके नाचते रहते हैं। तो युवा पीढ़ी को इस गजल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, वो क्यों दूर होती जा रही? अच्छा क्वेश्चन आपका, पंकज उदास जी ने भी जोड़ा पब्लिक को, यंगस्टर उनको भी जोड़ा, जगजीत सिंह जी की गजलें भी यंगस्टर सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, सुनते हैं जी। आज थोड़ा हम दोनों ही इतने धुरंधर हमारे बादशाह लोग चले गए दुनिया से, अब भी हैं, अभी सिंगर अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और मैंने भी कुछ ऐसी गजल्स मार्केट में दी है अभी, शानों पे जो बिखरी जुल्फे हैं, है ना। तो मतलब कहने का बड़ी सिंपल वर्डिंग है, तेरे लबों से जो पी है शराब तोबा है, और ऐसा नशा शराब का जो मन पे छा गया। क्योंकि देखो दो ही चीजें हैं, एक आशिकी एक शराब, मैक्सिमम जो गजल चलती है जी रोमांटिक और शराब। बिल्कुल, तो मेरी गजल्स भी काफी हिट हुई है। एक मेरी बड़ी दर्द भरी गजल लोगों ने बहुत पसंद की है, वक्त है आखिरी सांस है आखिरी जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी, बहुत पसंद करते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, हम कोशिश भी कर रहे हैं और करते रहेंगे कि यंगस्टर ज्यादा से ज्यादा सुने। और जहां तक आपने डीजे की बात की, तो जो हम परोसेंगे वही तो सुनेंगे आज के यंगस्टर। हम परोस ही ऐसा कुछ रहे हैं, हम बीट ही बीट है, उसमें वर्डिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इससे पहले भी तो देखिए ना, गुरदास मान जी, हंसराज हंसी, मलकीत जी जी, उनके गानों पे भी लोग नाचते थे, लेकिन वो सिर्फ शोर नहीं था, वो गायकी भी थी और शोर भी था। शोर का मतलब बीट। उससे भी और थोड़ा पीछे जाए तो आशा सिंह मस्ताना जी, सुरेंद्र कौर जी, हाँ उनपे भी नाचे लोग, बोले नहीं बना, 60 साल पहले की बात है। बिल्कुल, तो मतलब की उनके गाने आज भी सुनते हैं तो हमारे घरों में, स्पेशली पंजाबियों में। बिल्कुल, और वही फोक आज उसको बिगाड़ के बीट वगैरह में लगा के, है ना। मैं कहता हूँ बिगाड़ो ना, हाँ अच्छे म्यूजिक में फिर दोबारा दो, बीट्स अच्छे लगाओ, अच्छी गायकी हो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आशा सिंह मस्ताना जी, सुरेंद्र कौर जी, जी उन सबके साथ, मोहम्मद सदीक, मानव जी, है ना, जितने भी पंजाब के पुराने कलाकार हुए, सबके साथ मेरे शो हुए, मैं बड़ा खुशकिस्मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आपने गजल की बात की, वक्त है आखिरी, ये गजल तो मेरे भी दिल के बहुत करीब है। शुक्रिया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ ये गजल हमारे दर्शक भी जरूर सुने, तो चाहे थोड़ा सा पीस, लेकिन इसको जरूर हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ ये गजल। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं दिल के फसलों, चंद मिलते हैं जब मुसीबत का वक्त आता है, के दरवाजे बंद मिलते हैं। वक्त है आखिरी सांस है आखिरी जिंदगी की ये शाम आखिरी आखिरी, अब तो आजा सितंबर खुदा के लिए, लब है तेरा नाम आखरी आखरी, वक्त है आखरी। मुझको यारों ने नहला के कफना दिया,
दो घड़ी भी न ठहरे के दफना दिया मुझको यारो 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 मुझको यारो ने नहला के कफना दिया दो घड़ी भी न ठहरे के दफना दिया कौन करता है गम बस निकलते ही दम कर दिए इंतजाम आखरी आखरी वक्त है आखरी वक्त है आखिरी बहुत ही दिल की गहराइयों को छू गई। ये क्या आपने खुद लिखी हुई? जी नहीं, इनके शायर जो हैं उनका पता लगा रहा हूं मैं, लेकिन पता लग नहीं था। कुछ चीजें ऐसी फोक हो जाता है, फोक जिसने लिखा है ना, ऐसे ही ये गजल को मैं फोक गजल कहता हूँ। ये जिसने भी लिखी कमाल की लिखी है, कई लोगों ने गाई है, मैंने इसकी जरा तर्ज अलग करके थोड़ा इसको ज्यादा सैड करके वायलिन वगैरह उसमें यूज कर, बड़ा बहुत अच्छा लगा, लोगों ने भी बहुत सराहा इसका। जी बहुत ही कमाल की डेली मजा आ गया सुन के, और आज ज्यादा खुशी ये है कि वीडियो पे तो कई बार सुनी हमने, आज यहाँ सामने बैठ के सुनने का तो एक अलग ही आनंद आ गया। चलिए आपको अच्छा लगा तो बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आजकल ऑटो ट्यून का जमाना आ गया, ये एआई ने इतना ज्यादा इफेक्ट किया है म्यूजिक इंडस्ट्री को भी कि कोई जैसे गाना सीखा है या नहीं सीखा, पहले जैसे कई कई सालों तक लगातार वो एक प्रथा होती थी, ग्रुप बनाए जाते थे, रियाज करते थे, लेकिन आजकल जिस किसी को एक दिन छू पाया तो अगले दिन स्टूडियो में जाके वो गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन आपके मैं जो गाने सुनता हूँ उनके सुर, उनकी लय, उनमें जो चीज देखने को मिलती है वो नए जो युवा सिंगर हैं उनमें वो देखने को नहीं मिलती, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं अगर आपको मेरा गाना अच्छा लगता है तो मेरे गुरुओं की कृपा है जिनसे मैं सीखा हूँ जी, और मैं सबको यही कहूंगा कि संगीत जरूर सीखिए, ये बेसिकली बहुत जरूरी है। जब बेसिक हम नहीं जानेंगे संगीत का, रियाज ही नहीं करेंगे। अब मेरा भी स्टूडियो है, वहाँ पे कुछ तो बड़े सीखे हुए लोग आते हैं तो हमें मजा आता है उनको रिकॉर्ड करने, और कुछ बिल्कुल उनको गाना ही नहीं आता तो हमारे पास ऑटोट्यून, ये आजकल मेलोडाइन भी है तो मेलोडाइन से तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगर दो तीन सुर भी नीचे है ना वो उसकी लाइन तो हम उसको ठीक कर देंगे। तो कुछ सिंगर आते ही ऐसे हैं कि साजी कर देना, ये हमसे नहीं गाया जा रहा, हम तो ऐसे ही गाते हैं, अब क्या करें, बिल्कुल सीखते ही नहीं है, और हमारे पास आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, हम कहते हैं ठीक है, अब इन्होंने हमसे नहीं बनवाया तो किसी और से बनवा लेंगे, तो हम कहते हैं ठीक है बनाते हैं। आप खुद तो इस इंडस्ट्री में है ही है, मैंने देखा कि आप दिल्ली पुलिस वालों को जी जो कि हर टाइम टेंशन में डिप्रेशन में रहते हैं उनको भी आप गीत संगीत की ट्रेनिंग देते हैं। जी जी, मुझे जब जब भी वो बुलाते हैं तो मैं जरूर जाता हूँ, और वहाँ तो चार्ज भी ना जैसे ही होता है, तो हम कहते हैं कि चलिए ये हमारी इतनी सेवा करते हैं, हमारे लिए भाग दौड़ करते हैं दिन रात, तो कई बार तो हम फ्री में भी चले जाते हैं, बहुत अच्छी सिखाते हैं उनको, 5-7 दिन सिखाने के बाद उनका फंक्शन होता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए हम कुछ तो दे रहे हैं जो हमारे पास है। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में या जैसे मतलब कि आम लोग कोई सीखना चाहे तो उसमें भी आपके इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी है कि वो आके लोग सीख सकते हैं आपसे? हाँ, मैंने साथ साथ में म्यूजिक एकेडमी भी बनाई हुई है, उसके बारे में जरूर शेयर करें, लोग अगर सीखना चाहें तो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं सीखते बिना मतलब ही गाना गाते रहते हैं, मैं चाहता हूँ वो सीखे।
जी वो एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें, मुझे करें, मुझे नहीं तो किसी और गुरु को करें, वो जरूर एक बार आए, वो सीखे। जब सीखने से ना फिर मन लग जाता है सीखने का, कुछ लोग सीखते ही नहीं जब तक, तब तक कहते हैं हमें क्या जरूरत है सीखने की, हमें लोग सुन रहे हैं, लेकिन जब वो सीखने आते हैं उनको समझ आती है कि हमारी तो ये कमियां हैं गले में, फिर वो सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी सीखना चाहे वो कॉन्टेक्ट करे, मैं सिखाऊंगा। जितने प्यार से ये आपने सारी बातें बताई है आशु जी, मेरा दिल कर रहा है कि कल से मैं आपकी अकेडमी ज्वाइन कर लूं। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया, एक बार मुझे जबरदस्ती कहीं स्टेज पे मतलब कि उन्होंने कह दिया जी गाना सुनाओ। मैंने सारे काम किए हैं, लिखा है बहुत, मैंने किताबें लिखी हैं, प्रिंट मीडिया के लिए लिखा, बिल्कुल शो किए हैं, मतलब कि वर्कशॉप, मोटिवेशनल सारा कुछ, लेकिन गाना कभी मैंने जिंदगी में नहीं गाया। तो एक बार किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया तो वहां मैंने गाना गाया, तो पब्लिक ने सुना और वंस मोर की आवाज आई, फिर तो हम भी सुनेंगे, तो बड़ी खुशी हुई, हौसला बढ़ा, तो मैंने दोबारा फिर गा दिया। अच्छा, तीसरी बार फिर उन्होंने कहा जी वंस मोर, तो फिर मैंने हाथ जोड़े, शुक्रिया बहुत बहुत आपको पसंद आया, लेकिन मैं इससे ज्यादा तीन बार गा दिए, इससे ज्यादा गाना बड़ा मुश्किल है और मैं नहीं गा सकता। कहते जी किसने कहा है गाना पसंद आया, हम तो ये कह रहे हैं जब तक ठीक तरीके से नहीं गाओगे तो हम बार बार सुनते रहे। सुनते तो आप पहले ठीक तरीके से गाना सुने, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ठीक ही लगा होगा इसलिए वाह वाह की होगी। नहीं तो आप जब भी सीखना चाहें आप आइए या मैं आ जाऊंगा आपको सीखने। तो अब मैं एक चीज बड़ी पर्सनल सी ना आपसे पूछना चाहता हूँ। कई बार स्पेशली जब गजल की महफिल होती है या शाम को बहुत ही शांत माहौल वाली वो डीजे टाइप पार्टी नहीं होती, या बड़ा अच्छा प्यारा माहौल होता है और वहां पे बैठ, तो वहां पे कुछ सिंगर आंखें बंद करके गाते हैं, उसका क्या रीजन होता है? क्या वो इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या उनसे सामने वालों का दर्द नहीं सुना जाता कि वो उनका गीत संगीत पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग है? दो बात होती है, एक तो आंखें बंद करके बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, एक आंखें बंद करके उनको बर्दाश्त नहीं होता कि मैं जो गा रहा हूँ लोगों पे क्या रिएक्ट हो रहा है, या वो इस तरह आंखें बंद करते हैं। एक बात सुनाऊं मैं आपको आंखें बंद करने में, एक सिंगर थे क्लासिकल, उनको किसी ने गांव में ढूंढ लिया, कोई एक चेता होगा क्लासिकल का, अब वो गए गांव में, लोग सामने बैठे हैं और उसने जैसे क्लासिकल शुरू किया, ठीक है ना जी, वो अपने ग्राम में नीचे नीचे सुर लगाने लग गए। अब वो क्लासिकल का तो रिवाज है कि वो पहले बहुत नीचे काफी देर गाते हैं, सारा पंडाल चला गया, उनकी आंखें बंद थी, एक अम्मा जी बैठे थे वहां। अच्छा। उन्होंने कहा कि अम्मा जी आपको बड़ी समझ है संगीत की, जो आप बैठे हो सारे लोग चले गए। वो कहती बेटे मेरे को तो ना तुम पे बड़ा तरस आ रहा था, ऐसे ही मेरी भैंस का बच्चा कर रहा था कल, और वो दुनिया में नहीं है, मेरी भैंस का बच्चा भी ऐसे ही अड़ा रहा था जैसे तुम अड़ा रहे थे, तो मेरे को तरस आ रहा था कि मेरी भैंस का बच्चा भी मर गया था तुम भी मर जाए, तो मैं तो इसलिए बैठी थी। अपने ये जो इंसिडेंस बताया ना, मुझे बड़ी पुरानी बात याद आ गई। एक पार्टी में गए थे तो वहां पे बैठे हुए सारे, बड़ा अच्छा माहौल, तो इसी तरह के गजल गायक आए थे, उन्होंने वही क्लासिकल उससे शुरू किया, तो पहले तो बड़े आराम से ऐसे सुर गा रहे थे, और उसके बाद अचानक से उन्होंने इतनी जोर से मतलब कि जैसे वो दो सिस्टर्स है ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम, नूरा सिस्टर्स, उनके स्टाइल में उन्होंने शुरू किया, तो सामने एक लेडी बैठी थी उसकी गोद में बच्चा था, इतनी जोर से चीखा, इतनी जोर से डर गया बेचारा, उससे ज्यादा हंसी मुझे था भाई जब उस लेडी ने कहा बेटे बेटे कुछ नहीं कहेगा वो स्टेज पे रहेगा तुम्हारे पास। वाह वाह वाह,
वो भाई आप आराम से बैठो। बहुत अच्छा तो गीत संगीत के साथ आज ये हंसी की महफिल भी बन गई है। कमाल हो गया, इतना तो नहीं सोचे ये मुझे मिली नहीं। इसका तो अलग ही मजा है, जो हंसी मजाक और इस तरह के मोहर मूड में बात बनती है वो सदियां तक याद रहती है। और मुझे भी उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम जो है ये हमारे दर्शक बड़े लंबे अरसे तक हमेशा याद रखेंगे हमारी ये मुलाकात जो है। बिल्कुल, आप रेगुलर प्रोग्राम्स करते हैं जी, स्टेज पे भी करते हैं, फिल्मों में भी करते हैं और भी बहुत सारे होते रहते हैं, तो अपने गले को बिल्कुल हमेशा फिट रखने के लिए, फिजिकली तो फिट रखना जरूरी है ही आपके लिए, गले को बहुत हर टाइम फिट रखने के लिए कौन सा घरेलू टिप आप यूज करते हैं वो हमारे खासतौर जो नए सिंगर्स हैं उनको जरूर बताएं। बिल्कुल, मैंने देखा है कि जैसे गुरदास मान जी, दिलीप बाजी, ये अच्छे अच्छे गजल गायक, चलिए आपने कहा है तो हमें भी आप देख लीजिए कि हम 3-4 घंटे तक परफॉर्म कर सकते, करते भी जी रेगुलर। तो मैंने कई आज के देखे हैं सिंगर, वो ट्रैक पे मूल आके चले जाते हैं, नाम उनका बड़ा, लेकिन वो आधा घंटा पौना घंटा परफॉर्म करते हैं, वो भी मूल आके चले जाते हैं, उनका प्रॉपर ट्रैक बजता है पीछे, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनको लाइव गाना पड़ जाए तो वो कई बार 2-3-4 गानों के बाद उनका गला खत्म हो जाता है। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर हम सुबह 2 घंटे रियाज करेंगे, शाम को 2 घंटे रियाज करेंगे, तो जैसे जिम में जाके एक बॉडी बनाता है लड़का, ऐसे ही रियाज करने से गला बनता है। और कूल जरूर खाना है ना, ये चीजों का थोड़ा परहेज करना चाहिए जी, बड़ा सोच समझ के खाना चाहिए जो भी खाना चाहिए। खासकर जब हम गा के आए हैं 3 घंटे और आते ही हमने ठंडा ठंडा पानी पी लिया, उस वक्त बहुत ज्यादा खराब, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं पीना। वैसे आम लाइफ में भी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा कोसा पानी, गर्म पानी पी लिया ठीक, तो ये भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें ठंडा पानी भी पिए, लेकिन मौसम के हिसाब से थोड़ा ख्याल गले का रखना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही खास प्रोग्राम है, बहुत बड़ी ऑडियंस है आपकी, नॉर्मली बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं आपके, वहां पे आप प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, अचानक किसी कारण से आपकी तबीयत, आपके गले में कोई दिक्कत आ गई या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे कि आपका मूड एकदम अपसेट हो गया हो और आप इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं और उससे पहले अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल, क्योंकि बैलेंस ऑफ माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत जरूरी है जी, बहुत एक आर्टिस्ट के लिए। तो ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है वो जरूर मेरे साथ बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ है, बहुत जबरदस्त ऐसा है मेरे साथ वाक्य हुआ, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी जी, मैं मुरादाबाद में, बहुत पब्लिक, कम से कम 5,000 पब्लिक होगी, पब्लिक शो था जी, जैसे दिवाली मेला होता है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ा शो था। और इधर मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थे, और मैं जैसे ही स्टेज पे चढ़ने लगा हूँ उधर अनाउंस हो गया कि आशु पंजाबी आ रहे हैं, पब्लिक ने नाचना था हमारे साथ क्योंकि हम एज ए पॉप सिंगर गए थे, तो सिंगर तो गए नहीं थे। और जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, मेरे मोबाइल हमेशा पीछे वाले जेब में होता है, मैंने ऐसे ही घंटी बजी तो मैंने कहा चलो उधर अनाउंस कर रहे हैं, मैंने ऐसे फोन लगाया तो फोन पे मेरी मिसेज बहुत जोर जोर से रो रही है और कह रही है कि पापा की डेथ हो गई मेरे फादर जी। तो मेरे को ओके, मैंने फोन बटन बंद किया, फोन बंद करके मैंने जेब में डाला, और मतलब फादर इन लॉ पापा ही होते हैं, इतना प्यार करते थे वो, मतलब मुझे समझ नहीं आई, थोड़ी देर के लिए इतना रुआंसा हो गया कि मुझे समझ ना आया मुझे स्टेज पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर जो भी ऊपर वाला है मैंने उसको याद किया और मैंने कहा नहीं, मुझे आज मैं काम करने आया हूँ, इतनी पब्लिक मेरा इंतजार कर रही है, उन्होंने मेरे साथ डांस करना है, नाचना है। मैंने एकदम से वो तो
दिमाग से निकाला झटका वो, और फोन गले में डाला, और एंट्री मेरी स्टेज पे नाचते हुए होती थी, एकदम डांस करते हुए ना, बीट बज रहे थे मेरे जो ऑर्केस्ट्रा वाले बजा रहे थे, तो मैं वैसे ही गया झूमते हुए नाचते हुए, हा एवरीबॉडी, और पूरा मैंने मतलब 2.5-3 घंटे गाया, लोगों ने एंजॉय किया। मतलब ये हमें करना पड़ता है, ऐसा इंसिडेंट हो जाए तब भी हमें गाना पड़ता है, और मैं गा के आया। अब जो मेरे को याद आई, मैंने फोन किया, सब रो रहे थे, तो मैं भी बहुत रोया, लेकिन वो काम नहीं रुकता, मैं शो मस्ट हूँ। राज कपूर साहब ने ये बात को मेरा नाम जोड़कर मेरे कही थी, हाँ। तो अपने इस चीज को जिंदगी में अपनाया, बहुत अच्छा लगा जी। और हर किसी को अपनी ड्यूटी इसी तरह से निभानी चाहिए जी। दुख सुख तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है ना, लेकिन उनके साथ मैनेज करना जो है वो आर्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको सीखना समझना बहुत जरूरी है। एक कल परसों हादसा हुआ है बहुत बड़ा हाथरस में, वहां भी इसी तरह एक आयोजन था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 100-125 के करीब लोग डेथ हो गई वहां पे। तो जब आप बड़े इवेंट करते हैं तो इस तरह का अरेंजमेंट के बारे में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, जिससे कि इस तरह के हादसे दोबारा, उसके बारे में मैं एक छोटा सा आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। नहीं बिल्कुल जरूर, देखिए जहां भी पब्लिक ज्यादा होती है, पहली बात तो वहां अरेंजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस वो जो फंक्शन हो रहा है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। माफ करना अंकल जी, जोली साहब भाई है हमारे बड़े, आप, मैं बहुत खिलाफ हूं बाबाओं के नहीं पब्लिक के, जो लोग इन बाबाओं को बाबा बनाती है, वहां इतनी भीड़ कर देते हैं, इतना पागल हो जाते हैं। आपने परमात्मा को माना है, आप डायरेक्ट परमात्मा की भक्ति कीजिए, गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, घर में बैठ के कीजिए, लेकिन आप किसी के लिए किसी को भगवान मानने लग जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा ये बाबा वाला जो मामला है ये बिल्कुल हिंदुस्तान में बैन हो जाना चाहिए, कि कोई बाबा नहीं बनेगा, किसी बाबे को मानने की किसी को जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ये कानून है, लेकिन बाकी इंडिया में ये कानून नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये कानून है, ये तो होना चाहिए। मैं तो सर वहाँ पे बहुत सख्त सजा है, और कोई भी ये कंप्लेंट कर दे और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करता है तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट करके अंदर, नहीं ये होना चाहिए, मैं तो टोटल खिलाफ। ये बहुत अच्छी कही, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो बाबा बन जाते, जो अपना कुछ नहीं संवार सकते वो दुनिया को सुवारने के दावा करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो तो चलो कुछ नहीं कर सकते तो बाबा बन गए, लेकिन बाबा बनाया किसने? अगर हम वहां जाएंगे नहीं, मैं नहीं जाता किसी बाबा के, बिल्कुल ठीक, पूरी जिंदगी में नहीं कभी गया। मुझे कोई बोल दे कि वहां से ये मिलता है वो मिलता है, मैं कहा नहीं, मुझे परमात्मा से डायरेक्ट ले लूंगा, मुझे जरूरत होगी ना। किसी को उसने लाइसेंस थोड़ा दे के भेजा कि ये सिर्फ इसी की सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा, और अगर जब ऐसा कांड हो जाता है तो फिर वो फरार भी होते हैं, वो सामने आए ना, वो तो सामने आए, वो तो बाबा है, उन्हें तो शक्ति है। आजकल की पार्टियों में ना शोर बहुत ज्यादा होता है जी, नॉर्मली गीत संगीत का आनंद कम होता है और शोर ज्यादा होता है। आपको कई बार ऐसे गेस्ट भी जाते हैं पार्टियों में, आपका अपना शो नहीं होता, तो उस टाइम वहां पे क्या दिल करता है, वहां पे गाना गाया जाए या वहां से भागा जाए? नहीं, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, तो अब जो शोर चल रहा है उसे हम तो रोक नहीं सकते, जो जिस तरह के गाने लोग पसंद कर रहे हैं, है ना, ये नहीं कि हमें वो गाने पसंद नहीं है, हमें भी वो गाने पसंद है, बस हम यही कहते हैं कि थोड़ा उनको सुर में तरीके से मामला, कोई चीज बुरी नहीं होती। आज रैप भी बुरा नहीं है, रैप भी हनी सिंह ने बड़ा अच्छा अच्छा रैप किया, बादशाह ने किया, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने रैप किया, उनके कुछ गाने बहुत अच्छे भी हैं, म्यूजिकली भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप शोर की बात करते हैं तो शोर तभी लगेगा जब गाना अच्छा नहीं होगा, बेसुरा होगा ना गाना, तो क्या शोर लगेगा। अब मैं इससे हट के थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ, आजकल दिल्ली में एक मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा छाया हुआ है, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दिल्ली में शराब घोटाले। अच्छा, अब मैं उस घोटाले की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक छोटी सी फरमाइश है
दिल्ली में सस्ती है शराब, ये एक आपका बहुत ही सुपर हिट नंबर है। मैं तो आज मैं अगर नहीं सुनूंगा तो मेरे दर्शक मेरे से नाराज हो जाएंगे कि आशु जी हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमने ये गाना नहीं सुना। ये तो मस्ती भरा इतना शानदार गाना है। नहीं, नहीं, तो जरूर, ये जरूर सुनना चाहिए। दो लाइनें है चलो। हाँ, दो लाइनें बस। ये गीत गाए हुए काफी दिन हो गए। वो जब बहुत वो चल रहा था ना, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दूसरी फ्री, और मैंने देखा कि जो लोग पीते हैं वो और ज्यादा पीने लगे। कोई फ्री है पीते पीते पीते, मैंने कहा इसमें तो कुछ लिखा जाए। तब मैंने लिखा था, दिल्ली में सस्ती हुई है शराब, देखो जरूर ज्यादा ना पी जाना। तो ये हम जरूर सुनना चाहेंगे। दिल्ली में सस्ती हुई है शराब, दिल्ली में सस्ती हुई है शराब, यार ज्यादा न पी जाना, ज्यादा न पी जाना। दिल्ली में सस्ती हुई है शराब, दिल्ली में सस्ती हुई है शराब, ज्यादा ना पी जाना, देखो यार ज्यादा ना पी जाना। वैसे भी है ये तो आदत खराब, वैसे भी है ये तो आदत खराब, देखो यार ज्यादा ना पी जाना, देखो यार ज्यादा ना पी जाना। दोस्तों आपको कैसा लगा ये बहुत ही खास गाना? उम्मीद है जितना मुझे पसंद आया होगा उतना ही आपको भी अच्छा लगा होगा। तो बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, नहीं उस तरह से नहीं, हम जो अपनी प्यार वाली बातचीत है उसको आगे बढ़ाते हैं। आपके अब पूरे हिंदुस्तान में छोटे से छोटी स्टेट में और दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में भी हजारों फैंस हैं, तो वो जब कभी आपको मिलते हैं तो आपसे गाने की फरमाइश ज्यादा करते हैं या कि ऑटोग्राफ ज्यादा लेते हैं? ऑटोग्राफ तो खत्म हो गया जी, जमाना चला गया। अब तो सेल्फियां लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, स्टेज पे हम होते हैं तो गाना सुनते हैं, लेकिन ये सेल्फी वाला भी तो अच्छा लगता है, काफी लोग खिंचवाते हैं। अब एक पर्सनल चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तक अंदाजा आपके घर में कितने कमरे अवार्ड से भर चुके हैं? भर रहे थे, मैंने आज से कम 20-25 साल 20 साल पहले अवार्ड जो मुझे मिलता है वो कई बार तो वहीं दे आता हूँ अपने दोस्तों को ना, मेरे साथ होते हैं ना कुछ जी 3-4 जो मेरे साथ गाते हैं या किसी को भी वैसे दे आता हूँ गिफ्ट। हाँ बहुत कोई बड़ा खास अवार्ड है तो रखता हूँ, बाकी मैं बहुत सारे, मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ, कुछ बेटियां इधर उधर ही हो गई। किसी दिन कोई नेक्स्ट डे बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपका और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको रियाज कर रहे हैं उसका, क्योंकि सुबह आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पड़ोसी नाराज हो गए ये रात को ये कैसे गा रहे हो? वाह वाह, मैं मेरे स्वाद थोड़े ना अलग अलग। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जहां भी रहा मेरे पड़ोसी एक तो खुश होते हैं सुबह सुबह जब मैं रियाज करता हूँ, वो शायद इसीलिए कि मैंने सीखा हुआ है, तो वो जो उनको स्वर अच्छे लगते हैं, और मैं अगर एक दिन रियाज नहीं करता मुझे पूछते हैं आज रियाज नहीं किया आपने, नहीं, और रात को तो मैं कभी डिस्टर्ब करता ही नहीं किसी को, कोशिश करता हूँ कि सारा बंद हो और मैं अंदर ही रियाज करूँ। आखिर में बस एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि आपका बहुत लंबा सफर संगीत के साथ जुड़ा हुआ है, कोई बहुत ही खास गोल्डन मोमेंट जो आपके दिल के बहुत करीब है
वो जरूर शेयर करें। बिल्कुल, मेरे ख्याल में कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में ऐसा मोमेंट ना है। सबसे पहली एल्बम जब मेरी आई, जैसे किसी की पहली फिल्म रिलीज होती है, ऐसे ही बड़ा मन में ये था कि मेरी पहली एल्बम कब आएगी। तो उन दिनों कैसेट का जमाना जी, तो मैं आया दिल्ली, आगे मेरी रिकॉर्डिंग हुई, फिर वो जो वेट थी ना, वो जो मैंने वेट की अपने पंजाब में, मैं अबोहर का हूँ पंजाब जी, तो मैं वहां पे जब वेट की ना, मैंने जो एक डेढ़ महीना कि मेरी कैसेट आएगी, दुकानों पे पड़ी होगी, सब दुकानों, तो मैं साइड से गुजरता था तो देखता था मेरी कैसेट आ तो नहीं गई, क्योंकि डेढ़ तो साइड थी नहीं। तो एक दिन जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि जो शहर की मेन दुकान है वहां पे मेरी कम से कम उन्होंने 50 कैसेट ऐसी लगाई। वो जो खुशी वो जो पल था ना, सच्ची बता रहा हूँ, मेरी मतलब आंख में आंसू भी थे और मैं इतना खुश हुआ ना, सामने मेरी उन्होंने कैसेट लगाई गई। फिर मैं गया उस दुकान पे, वो आशु 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 तेरी कैसेट आ गई यार, बड़ी खुशी हुई। फिर मैं शहर की करीब करीब 50 दुकानें होगी वहां, फिर मैं हर दुकान पे गया, तो हर दुकान पे मेरी, क्योंकि मैं ही पहला मेरे शहर में था जिसकी एल्बम है जी, मैं ही पहला था जिसने टीवी पे पहली बार गाया जी, जलंधर टीवी पे। अच्छा, तो इस तरह के कुछ काम मैंने अपने शहर में पहले पहले किए, जैसे ऑर्केस्ट्रा मैं सबसे पहला मैंने बनाया, तो बड़े लोग खुश होते थे कि ये कुछ ना कुछ नया जरूर करता है। तो वो कैसेट जो आई और मैंने दुकानों पे देखी, वो पल मेरे लिए मैं कभी नहीं भूल सकता, नेवर। आशु जी, हर गीतकार, संगीतकार, गजल गायक जो होते हैं, कोई ना कोई गीत, कोई गजल उनके दिल के बड़ी करीब होती है, जिससे उनको खुद को खुशी मिलती है, उनके जो सुनने वाले हैं उनको भी बड़ी खुशी मिलती है। तो आपके कोई ऐसा गीत या कोई ऐसी गजल जो आपके दिल के बहुत करीब है, मैं वो जरूर चाहूंगा कि वो आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। बिल्कुल, मैं जो गजल अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसमें खुशी नहीं है, पूरी उदास गजल है। मैं दिल्ली आ गया पंजाब छोड़ के जी, और वैसे तो अक्सर ही घर वालों की, सबकी, पंजाब की, दोस्तों की याद आती है, लेकिन इस गजल में मैंने पिरोया है कि वो याद आती है, बड़े शहर में आ तो जाता है लेकिन अपना गांव नहीं भूल पाता। और बस एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि मैं पार्क में सैर कर रहा था सुबह सुबह, अचानक याद इतनी ज्यादा याद आ गई कि मैं साइड पे बैठ गया और समझ लीजिए आंसू निकलने लगे और वो गजल बढ़ती, मतलब वो गजल लिखी नहीं मैंने, वो जैसे जैसे मैं गुनगुनाता गया, जैसे जैसे वो लफ्ज बनते गए, मैं रिकॉर्ड करता गया मोबाइल में और जाके घर में मैंने पूरी की वो गजल आपकी नजर पर। और शुक्रिया आपका। जो लोग गांव छोड़ के शहर में आ जाते हैं, बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन जब वो शहर में आ जाते हैं तो उनको अपने गांव की बहुत याद आती है। ये गजल मेरी खुद की लिखी हुई, आप सबकी नजर कर रहा हूं। आंखों में बड़े बड़े सपने लिए, बस शहर को एक दिन चल दिए, दिन में चले थे हुई गहरी रात, छूटा तभी सारे अपनों का साथ, छूटे खेत हरे भरे पीपल की छांव, यारों मेरा काम छूट गया यारों।
छूट गया यारो मेरा छूट गया यारो मेरा राखी का दिन और ये सोनी कलाई बहन कहती होगी के आएगा भाई है मजबूर के दूर हम हो गए हैं शहर की बड़ी भीड़ में खो गए हैं न लिख पाए चिट्ठी न भेजा पैगाम छूट गया यारो मेरा शहर को एक दिन चल दिए दिन में चले थे हुई गहरी रात छूटा तभी सारे अपनों का साथ छूटे खेत हरे भरे पीपल की छांव ये तो एक पंकज उदास जी की जो गजल थी चिट्ठी आई है बिल्कुल उसी तरह का आपने माहौल बना दिया हाँ। और बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह आपने तार जो है वो परिवार के साथ जोड़ दिए जी जिन लोगों के बच्चे बाहर हैं ये जो परिवार से अलग रह रहे हैं तो उनको तो मेरे ख्याल ये बहुत पसंद आएगी। अब आशु जी हमने आपसे भजन भी सुना आपकी गजल भी सुनी बड़ा मजा आया लेकिन कोई एक ऐसा हिट नंबर क्योंकि आप बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं अदरवाइज जो कि आम जैसे पार्टियों में बहुत पॉपुलर हो जाता है जैसे दिलेर मेहंदी जी के कुछ गाने हुए या हंसराज हंस जी के कुछ हुए इस तरह का कोई खास नंबर जो सुनते ही लोगों के कदम जो है झूमने लगते हो उस तरह का एक छोटा सा गाना आप जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी जी बिल्कुल एम सीरीज से मेरा एक सॉन्ग आया था जी रमेश बजाज जी प्रोड्यूसर है उनके और वो गाना इतना अच्छा लगा लोगों को हर चैनल पे इतना मजा पंजाबी चैनल और समझ लीजिए कि मुझे खुशी होती थी कि जैसे मैं जा रहा हूँ और साथ में से मेरी गाड़ी गुजरी है और गाड़ी में मेरा गाना बज रहा है और मैं किसी के यहाँ पार्टी भी गया हूँ तो मेरा गाना वहाँ पे ऑलरेडी बज रहा है लोग उस पर डांस कर रहे हैं तो वो गाना था पुत चिट्टा दे गली छिपा बोलियां कि ये मजाल डक लू सीधा हिक पे चला देंगे गोलियां तो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। क्या बात है क्या बात है ये हमारी खुश नसीबी कि आज सारी फरमाइशें आप हमारे सामने बैठे हैं बिल्कुल हाजिर जी ये गाना है Oh,
ये तो आपने एक बिल्कुल अलग ही माहौल बना दिया। अब तो हमारा भी दिल कर रहा है कि यहाँ पे ये माइक हटा के तो डांस करना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। आशु जी, आज गीत संगीत के बहुत सारे रंग आपने हमें दिखाए जी। मैं तो कहूंगा कि आपने पूरा इंद्रधनुष हमें दिखा दिया। बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन मैं अब एक चीज सिर्फ ये जानना चाहूंगा, हमारी इंडस्ट्री के खासतौर से गीत संगीत के जो है तीन बहुत बड़े पिलर हुए हैं, किशोर साहब, रफी साहब, मुकेश जी, तो इनमें से आपके दिल के करीब सबसे कौन है और आप किसको सबसे ज्यादा सुनते हैं या किन के गाने आप गाते हैं? अगर इनमें से किसी के एक या दो गाने की कोई लाइनें सुनाएं तो मजा आ जाएगा। हाँ जी, मैं रफी जी, किशोर जी, मुकेश जी सबको बहुत सुना मैंने। ये अपने आप इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल ठीक, इनसे ही हम सीखे हैं सुन सुन, तो मैं तीनों को बहुत पसंद करता हूँ और सबको गाता हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, जिंदगी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। पड़े जब गमों से पाले जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, रह गर्दिशों में हरदम इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कहीं खो गया किनारा, रहा गर्दिशों रातें, हमें सोने नहीं
म्यूजिक गुरु से हमने भजन भी सुना, बहुत सारे गाने और गजल भी सुन ली, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ना कहीं इस प्रोग्राम में थोड़ी सी कमी है, कोई ना कोई चीज अभी मुझे लगता है कि अधूरी सी है। तो आशु जी, आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम में मैं क्या मिस कर रहा हूँ? अगर जहां तक मेरी सोच जाती है कि हमने बाकी सब रंगों को देखा, आप एक सूफी रंग हम अभी भी मिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और इजाजत ले लेते हैं टाइम की, तो एक दो मिनट के लिए आपके सूफी रंग को भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दीदार सॉन्ग सुनाता हूँ। क्या बात, क्या बात। हाँ, वो आपने जरूर सुना होगा, पीटीसी रिकॉर्ड ने रिलीज किया था, मैंने सुना और काफी बहुत प्यार मिला पूरे पंजाब से, क्या पूरे मतलब इंटरनेशनल, अमेरिका, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ से फोन आए, कनाडा से मुझे, कि ये आपने बड़ा एक अच्छा अलग रंग दिया है। और मैं उस थोड़ी सी उसकी खासियत बताता हूँ कि वो वेस्टर्न बीट में सूफी है, उसे हम अर्बन सूफी कहते हैं, बड़ा एक नया नाम यंगस्टर ने दिया था कि अर्बन सूफी। तो लीजिए मैं आपके लिए दीदार गा। Oh,
जाते दीदार रब्बा रब्बा दीदार सुन के और आपके दीदार करके आप तो लगता है कि सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। आशु जी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम आपके साथ करके। जो मैंने शुरू में कहा कि बड़े लंबे अरसे से एक तमन्ना थी, आज प्रभु ने वो पूरी की। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे दर्शकों के लिए जो गीत संगीत के प्रेमी है उनको छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे वो प्लीज आप शेयर करें। बस ये गीत संगीत के प्रेमियों को मेरा यही संदेश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि अच्छा संगीत सुने, अच्छे संगीत को बढ़ावा दें, कोशिश करें कि एक तो जिसमें गोलियां बंदूकें है ना मारना काटना और लच्चर भाषा हो उन गीतों को बिल्कुल भी प्रेफर ना करें, खासकर पंजाबी, क्योंकि पंजाबी मां बोली बड़ी बहुत जिन्हों कह सकते हैं अमीर है, रिच है, उन्हों गरीब ना करो एहो जे गाने गा के या एहो जे गाने सुन के। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छा संगीत सुनिए और जो गायक है वो जरूर सीखें, सीखने के बाद उनको समझ आएगी कि हमारे में क्या कमी थी। हम उस खुशी को तो एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ, उस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम इस मूवमेंट को भी उसी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं और बड़े लंबे अरसे तक इसको हम एंजॉय करेंगे। दोस्तों आपको आशु जी से कोई भी अपने सवाल पूछने हो, कोई आपकी अपनी फरमाइश हो, कोई गीत संगीत से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो इनका नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ले सकते हैं, इनके चैनल से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनकी एकेडमी में जाके आप गीत संगीत सीख सकते हैं। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? और सबसे एक खास चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आज ये जो गीत गजल और भजन इन्होंने सुनाए उनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा वो जरूर हमें लिख के भेजें। इसके अलावा अगर आपके पास भी किसी तरह का कोई बहुत ही खास हुनर है जो आप जमाने के सामने लाना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हमारी टीम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके हुनर को हम जमाने के सामने लेके आए। और इसी तरह जिस तरह ये प्रोग्राम है अगली बार आप हमारे साथ यहाँ बैठे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।